ये देखो भूटिया मार्केट नैनीताल में है। आज बहुत ऊपर तक पानी है। बस निकल लेते हैं। हरबुल रूट से वाकई अच्छा है ये, बढ़िया सीधे शाहजहांपुर निकलता है ना। एक संसारी, एक भंडारी, एक दीवान। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डॉल एंड एश। इस बार फिर से मैं आप लोगों को नैनीताल लेके चल रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना होगा कि इस बार हम लोग कोई दूसरे रूट से जा रहे हैं और वो रूट बहुत ही अच्छा था। ये रूट जो है ये शाहजहांपुर से बरेली, बरेली से हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ जाता है। गूगल मैप के अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट 8 घंटे लगते हैं, बट हमें जो है 2 घंटे पहले हम वहाँ पहुँच गए थे नैनीताल। हम लोग जो है 8 बजे सुबह निकले थे और 2 बजे तक हम लोग नैनीताल में थे। तो चलिए चलते हैं नैनीताल। अंगद पूछो ना, अंगद के फेवरेट हीरो है। नींद में था ना, पटका उतर गया था, रोने लग जाओगे। अरे यार मैं क्या बोलती थी, डर लग रही है। पटका तब तक बड़ा पानी थे तुम्हारा, फिर होते बगल में देखो बादल है, हम ठंड में नहीं पहुंचे। रात को हम लोग माल रोड घूमेंगे, अबे राइट पे लेके जाएंगे लेफ्ट वाले पर। बोले मम्मी और कोई आईडिया, सुनो मेरी बात, सुनो हम लोग पता क्या करेंगे, सुनो। हाँ। अभी हम घर पहुंचेंगे तो अभी टाइम होगा, मतलब होटल पर तो रुक के है अभी कुछ, अभी होटल में मिलेगा तो जरूर। अरे यार सुनो, फिर हम लोग तैयार होंगे, फिर आपको चलेंगे मार्केट। चुप आए हो, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है पचड़ने की। पापा जी इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे एक और बार डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आप फेस्टिवल के टाइम आते हैं, लाइक होली है, हम होली पे आए, दिवाली है, न्यू ईयर है, कोई ऐसे टाइम पे अगर आप आते हैं तो प्लीज़ आप अपने घर से ऑनलाइन बुकिंग करवा के होटल की तभी आए, नहीं तो आपको नैनीताल में होटल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये समझ लो कि हमको होटल नहीं मिल रहा था तो हमने पूछा कि क्या हमें पनगोट में मिल सकता है। बाय द वे आपने हमारी पनगोट की वीडियो देखी कि नहीं देखी, प्लीज़ एक बारी जाके ज़रूर देखिएगा, पनगोट की वीडियो बहुत प्यारी बनी है। तो मैंने पूछा सबसे कि क्या पनगोट जा सकते हैं हम, वहाँ होटल मिलेगा, या मुक्तेश्वर जा सकते हैं। तो एक्चुअली में वहाँ ऑलरेडी होटल बहुत कम है, तो हमें पता चला कि वहाँ भी होटल लगभग आपको सब बुक मिलेंगे, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप घर से होटल बुक करके आएँ। मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पहले भी देखी हैं तो आप लोग कहते होंगे हर बार नैनीताल चले जाते हैं, हर बार नैनीताल चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं कितनी बार नैनीताल आई हूँ। आई थिंक 20 to 25 times हम लोग पूरी फैमिली के साथ नैनीताल आ चुके हैं। एक्चुअली मैंने कुछ जगह के व्लॉग्स नहीं बनाए हैं, जैसे हम मसूरी गए थे। मसूरी का हम लोग का जो पूरा प्लान था वो एटलीस्ट 6 to 7 days का था, जिसमें हम लोग काफ़ी थक भी गए थे। एक्चुअली नैनीताल से हम लोग की बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, और अगर हमें 2 दिन का भी ब्रेक मिल रहा है, 3 दिन का ब्रेक मिल रहा है, तो हमें सोचना नहीं पड़ता, हम रात को प्लान करते हैं, सुबह गाड़ी उठाते हैं एंड ऑन द वे टू नैनीताल। हम कहीं और जाते हैं तो हमें कम से कम 6 से 7 दिन का टाइम चाहिए, इतना टाइम हमारे पास नहीं हो पाता है। अगर हस्बैंड का वर्क है तो बच्चे फ्री हैं, अगर बच्चों का वर्क है तो हस्बैंड फ्री हैं,
इस तरीके से हम लोग सब एक साथ फ्री नहीं पाते हैं। आई डोंट नो नैनीताल लेक में क्या जादू है, हम लोग हर बार ही जाते हैं, हमें हर बार उतना ही अच्छा लगता है नैनीताल में बोटिंग करके। बातों बातों में पता भी नहीं चला और नैनीताल आ भी गया। और अभी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ से मिलेगी हमें नैनीताल में जाने की एंट्री, तो चलिए एंट्री करवाते हैं। हाँ दादू, दादू होटल में क्या पहुँचे, भीड़ ज़्यादा है क्या? जाने बहुत हो ना? हाँ जाने बहुत गया। हाँ जा आते हैं जाते हैं। मम्मी जी मैं सुना तो रंग वाले वाला कलर ले आते, पिंक कलर। तो पानी है यहाँ तो कितनी? आज बहुत ऊपर तक पानी है। है ना? बहुत सही। मैंने भी एक नोटिस किया। नैनीताल का उसको उठा निकले तो लिया कि अंदर में क्या हो रहा है नैनीताल में? हाँ अभी तो हमने कितना टाइम वेस्ट किया। जो जल्दी आ गया बंदा। अरे पापा मैं तो देखा था, मैं सपने में देख रहा था, दिन बाद आया है। इतनी जल्दी नैनीताल पहली बार पहुंचे हैं, बिलीव ही नहीं हो रहा। कितनी कड़कती धूप में, कड़कती धूप नहीं, ठंडी ठंडी धूप है, हम लोग पहुँचे और मैं बनवा रही हूँ ले गया चना। ये खाएगा ना? मैं खाऊंगा। हैं खाएंगे यार, पानी कितना सुंदर है। बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ भी गया है, बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर आया हुआ है। चने वाले कहाँ चले गए? वो फोन तो वीडियो बना रही है, फोन दो। आ गए, रुको तो सही, ले लेना तुम, जाके बना लेना। ला 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 ला, अरे 50-50 के दो नहीं बोले थे? 50 का है ना, मैंने कहा था दो जगह डाल के लाना, इतना महंगा दे रहे हो। चलो 80 के दे दो, है ना, दे रही हूँ। और
जिस बड़ी प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी वो अभी आपको अंगद बताएगा। तो अंगद बताओ जरा क्या प्रॉब्लम है? हमें होटल ही नहीं मिल रहा, सारे बुक हो गए। क्यों, आज बहुत ज्यादा बिजी दिन है? आज यहाँ पर होली मनाई जा रही है। नहीं और सब जगह क्या वो कहते हैं मतलब छुट्टियां है ना सबकी, तो इस करके सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे ना। हम लोग कितनी जल्दी पहुँच गए थे, मेरा बड़ा भाई और मेरे पापा गए देखने। हम लोग कितनी पहले आए थे और कम से कम 2-3 घंटे से हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। अगर मिल रहा होटल तो काफी ऊपर मिल रहा है, बाकी सब बुक। फाइनली अब हमें एक होटल मिल गया है लेक के पास। एक मिनट, आप लोग ये मत सोचना कि इतनी रात को होटल मिला है। एक्चुअली होटल तो मिल गया था टाइम से, बट ये कि इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोग सब रिलैक्स होने के लिए सो भी गए हम लोग। अब हम लोग फ्रेश होके अपना बाहर निकले हैं। गाड़ी आ रही थी, कहाँ से आ जाती? नहीं नहीं अंदर इधर आओ। ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, तो ब्लॉग बना रही है। अबे जूस किसी को ना वेटिंग होगी यार, वो वहां देखो दिल्ली ये वाला जाकर। अबे दिल्ली तो बैठी है भाई, तो मैं देख गया बाबू, वो दिल्ली का देख गया दिल्ली नॉन पर वेटिंग नॉन। जाओ भैया डिसाइड करो क्या सही है। दिल्ली दरबार ठीक है या फिर जूबीज किचन ठीक है? दिल्ली दरबार जूबी किचन कुछ भी नहीं मिला हमें, सब जगह एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा की वेटिंग है। इसलिए हम लोग ने स्नैक्स खा खा के ही अपना रात का डिनर कंप्लीट किया। ये टमाटर प्याज से बड़ा सलाद है, इसका ज्यादा मारा मारी है लेकिन रोटी स्वाद ही है ना, इसका लेकर अगर वेस्ट कर दो इसे। अरे मजाक नहीं खाना लग रहा है, लाइन वेटिंग लगी हुई है रोटी से लगा। ये ब्लैक एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग होली के अगले दिन आए हैं और इतनी भीड़ जगह नहीं थी पैर रखने की। जब तो आपको पता है होटल लेने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी हमें, वही सेम प्रॉब्लम रात को भी हो रहा था। हम तो बोल रहे थे शायद नैनीताल का खाना ही खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।